जानिब नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। 1993 में लीगी रहनुमा के कुल असासे 51 लाख रुपए के थे। 2018 तक असासे 404 मिलियन रुपए तक पहुँच चुके हैं। खिलाफ एहतसाब का दायरा वसी, लीगी रहनुमा के खिलाफ नैब लाहौर का रेफरेंस तैयार, हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। चेयरमैन नैब ने 4 सितंबर 2018 को इंक्वायरी की, 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। केस की तहकीकात अब भी जारी हैं। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने तो उनके पास 3,000 मुरबा गज का घर था। 1997 में लीगी रहनुमा के कुल असासे 51 लाख रुपये थे। 2018 तक असासे 404 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने अहले खाना के नाम पर मुख्तलिफ जायदादें बनाई और सरमायाकारी की। आमदन का मरकजी जरिया दुबई में एमको कंपनी को करार दिया गया। एमको कंपनी से तनख्वाह मुंतकली का कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने एमको कंपनी की मिली भगत से अकामा बनवाया। मैसर्स एमको कंपनी के एमडी इलियास सलूम को तलब किया गया मगर वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया।